गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी कैसे हो? अभी हमारा हिंदी का पीरियड है और आज हम कुछ नए वर्णों की पहचान करने वाले हैं। आप सब तैयार हैं? वेल, तो चलो बच्चों, देखो यहाँ पे आज का हमारा पहला वर्ण है वो। वो से वजन, वो से क्या आता है? वो से वजन। तो वो वर्ण के बाद श वर्ण आता है। कौन सा वर्ण आता है? श वर्ण। तो श वर्ण से आता है सृजन। श से सृजन, और यहाँ पे सृजन दिखाई देगा। सृजन यह एक सब्जी, ठीक है। इसके बाद हमारा वर्ण है श। तो श से षटकोण, क्या आता है? श से षटकोण। और इस षटकोण को कितनी भुजाएं होती है? छह भुजाएं होती है, इसीलिए इसको षटकोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप यदि ये भुजाएं मेरे साथ गिनो, चलो एक दो तीन चार पांच और छह, यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं? छह भुजाएं हैं, इसीलिए इसको षटकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? षटकोण। और यह जो शब्द है षटकोण, यह श वर्ण से शुरू होता है। हाँ बच्चों, ठीक है। तो पहले हमने कौन सा वर्ण देखा? व से वजन। व से वजन। श से सृजन। श से सृजन। श से षटकोण। श से षटकोण। तो बच्चों आप देखो, यह भी श वर्ण है, ठीक है, और यह भी श वर्ण है। इन दोनों का जो उच्चारण है वो एक ही है, लेकिन इनकी जो लिखावट है ये अलग है। ये वर्ण जो है अलग प्रकार से लिखे जाते हैं। चलो बच्चों, किताबें ले लो सब। हाँ, सबके पास है अभी किताबें। वेरी गुड। तो हमारी जो बुक है, यहाँ पे आप ये व से वर्ण, व से वजन ये देख सकोगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ है, हम इनको पढ़ने वाले हैं। अब सब तैयार है? हाँ, तो चलो बच्चों पढ़ो मेरे साथ। व से वन कटने से बच जाए, आओ सभी एक एक पेड़ लगाए। व से वन कटने से बच जाए, आओ सभी एक एक पेड़ लगाए। तो यहाँ पे वन का चित्र है, वन यानी कि जंगल, ठीक है, फॉरेस्ट। हाँ, तो इस जंगल में, इस वन में क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, है ना। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? पेड़ कटने से उनको बचाना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे क्या है? महत्वपूर्ण दोस्त है, और पेड़ हमें लगाने चाहिए, उनका प्लांटेशन करना चाहिए, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये वन शब्द जो है ये भी व वर्ण से शुरू होता है। यहाँ पे व से वजन दिया हुआ है, तो 50 किलोग्राम का एक है और 100 किलोग्राम का एक है, है ना। हाँ, तो यहाँ पे आपको आपके पेंसिल से अच्छे से व वर्ण लिखना है। हाँ, और यहाँ पे जो ये वजन की जो चित्र दिखाई देगी, इसको क्या करना है? श्री करना है अच्छे से। हाँ, और इसमें वो वर्ण लिखना है। क्या लिखना है? वो वर्ण लिखना है। बच्चों यहाँ पे जो चित्र है इसको पेंसिल से श्री करनी है, और यहाँ पे जब ऐसा लिख दिया है तो आपको ये वो वर्ण जो है ये यहाँ पे लिखना है, तो हमारा वजन शब्द पूरा हो जाए, ठीक है। इसके बाद आप पेज टर्न करोगे। चलो सभी बच्चे पेज टर्न करो। वेरी
क्या आता है? श से शलजम, और शलजम क्या है? सब्जी है। हाँ, तो चलो मेरे साथ पढ़ो सा। श से शलजम, यदि कच्चा खाओगे विटामिन की ताकत पाओगे। श से शलजम, यदि कच्चा खाओगे विटामिन की ताकत पाओगे। तो ये जो शलजम है वो ऐसे ही खाएंगे यदि हम इसको पका लेंगे, नहीं अच्छे से ऐसे ही खाएंगे। हाँ, जिस तरह गाजर मूली खाते हैं ना, उसी प्रकार हम यदि शलजम खाएंगे तो हमें इससे क्या मिलता है, इस सब्जी से क्या मिलता है? बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं। ठीक है? हाँ, तो ये श से शलजम। तो यहाँ पे श से शलजम यानी कि श, यह जो वर्ण है ये आपको अच्छे से लिखना है। इसके बाद यदि आप पृष्ठ करोगे तो आपको हमारा अगला वर्ण दिखाई देगा। हमारा अगला वर्ण है श से षटकोण। श से षटकोण, तो चलो पढ़ो मेरे साथ। श से षटकोण है कितना प्यारा, छह भुजाओं का एक सितारा। श से षटकोण है कितना प्यारा, छह भुजाओं का एक सितारा। यानी कि यहाँ पे ये और इसकी भुजाएं कितनी है मैंने बताई, मालूम है? हाँ, आपके ध्यान में है? हाँ, इसकी छह भुजाएं होती है। हाँ, और ये एक प्रकार से कि कैसा लग रहा है? तारा लग रहा है, स्टार लग रहा है ना? हाँ, तो ये श से षटकोण आपको अच्छे से यहाँ पे लिखना है। तो इसके बाद हमारी आती है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में आपको यहाँ पे क्या करना है? श, यह वर्ण लिखना है और इसको अच्छे से आपको कलर करना है। पर ये कलर करते समय लेकिन काले रंग का इस्तेमाल हम नहीं करने वाले। हाँ, बिल्कुल नहीं करने वाले। ठीक है? कितने सारे कलर होते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, कितने सारे रंग होते हैं, है ना? तो उनमें से कोई भी रंग जो आपको अच्छा लगता है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ तक हमारी पढ़ाई आज की पूरी हो चुकी है। आपके समझ में आ गए हमारे ये तीन वर्ण कौन से कौन से? व से वजन या व से वन। हाँ, इसके बाद श से शलजम, श से षटकोण। इन तीन वर्णों की आज हमने अच्छे से पहचान की है। आप सभी के पास ये कॉपी होगी, है ना? हाँ, तो यहाँ पे आपको अच्छे से हैंडराइटिंग में, आपका हैंडराइटिंग कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। पेंसिल से यहाँ पे क्या करनी है, ये तीन वर्णों की लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? इस तरह से सभी को दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। इसकी फोटो भी मैं भेजने वाली हूँ आपको। ठीक है? ये कॉपी में से पढ़ाई होने के बाद आपको वर्कशीट छुड़ानी है। अभी आपके पास वर्कशीट होगी, है ना? हाँ, तो वो वर्कशीट भी आपको अच्छे से छुड़ानी है। जो बच्चे ये सब पढ़ाई अच्छे से करेंगे, हाँ, तो उन्हें टीचर क्या देने वाले हैं मालूम है? हाँ, उनको मैं देने वाली हूँ बड़ा स्टार। तो सभी को बड़ा स्टार चाहिए? हाँ बच्चों, तो मैं सभी को बड़ा स्टार दूंगी। तो अच्छे से पढ़ाई करो, घर में रहो, सुरक्षित रहो और अच्छे से